लगी हुई है भाई, क्या क्या हो रहा है, नई नई चीजें, परसों युद्ध कर नया सुन, अरे ये क्या है, ये देखो ये है, अरे ये क्या है, वो मुर्गे की आंखें निकाल के लगा लिए तो क्या करे तो जी हमारे कोई फरिश्ता नजर आ सकता, समझ में बात। बुखारी में हदीस है कि सुबह जो है फरिश्ता नजर आता मुर्गे को, बांग देता ना मुर्गा, तो मुर्गा देखता किससे देखता फरिश्ते को, अब सिर देख किससे देखता, आंख से देखता। अब आंख में क्या चीज है जिससे इंसान देखता, वो क्या की वर्ड है अंग्रेजी का, वो मेडिकल है, वो अगर निकाल के इंसान को लगा दे तो इंसान भी देख सकता है, किसको, फरिश्ते को। आपको अपनी मिसाल देता हूं, दूर किया, जब मैंने ना पहली दफा हदीस पढ़ी बुखारी शरीफ की, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड चैप्टर के अंदर हदीस है कि मुर्गे को, पहली हदीस है कि दूसरी हदीस है इनमल अमाल बिन नियाद के बाद तीसरी चौथी, बच्चे ने भी पढ़ी हुई है कि जब मुर्गे को फरिश्ता नजर आता है ना तो वो अजान देता है, और जब गधे को शैतान नजर आता है तो वो हांकता है, जो भी कहते हैं उसको उर्दू में, यू नो ही मेक्स दैट साउंड। अब कॉमन सेंस ही, एक बच्चा मैं टोरंटो में बैठा हुआ सोच रहा हूं कि अगर मैं जो मुर्गे की आंख का जो पोलर डिस्टेंस है ना, जो उसका लेंस का पोल है, वो अगर मैं शिफ्ट करूं इंसान की लेंस में तो मुझे भी फरिश्ते नजर आ जाएंगे। मुर्गा को मोमेंट तो नहीं जो बरकत की वजह से फरिश्ते देखता है, वली अल्लाह तो नहीं है उसने कोई क्या किया, उसने क्या किया। सो द टेक्निक इज आई देयर। आप जिसको हदीस का नहीं इल्म वो कभी भी नहीं सोचेगा इस बारे में, साइंस और हदीस होना इकट्ठा जरूरी है इस मौके। इस वास्ते बोलते उलमा के साथ जुड़े रहो, बोलते 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 मर जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन बोलिए उलमा उलमा उलमा, तरबियत तरबियत तरबियत, अल्लाह मालवानी रहमतुल्लाह चले गए बोले क्या है वो, तस्फिया और तरबिया, तस्फिया तरबिया, तस्फिया तरबिया, ना सलफ का मना तस्फिया, गलत अकीदों को, गलत मनहज को, गलत अमल को हटाओ, उसके बाद तरबियत भी करो, जब तस्फिया होगा तरबियत नहीं होगी अंजाम बुरा होगा, जो आपके सामने मिसालें होती है। तस्विया तो हुआ, ये शिर्क है, शिर्क तौहीद यह है, पैगंबरों की दावत ठीक है, अब उसका तरबियत करना ना तौहीद पे, वो कौन कर रहे, तौहीद पर तरबियत नहीं है, बता दिया कि ये शिर्क है ये तौहीद है, लेकिन तौहीद पर तरबियत होना जरूरी है, ईमानी तरबियत नहीं होने की वजह से होता ये कैसा कोरोना है भाई, नमाज पढ़ रहे रोजा रख रहे अल्लाह ताला क्या चाह रहा समझ में नहीं आ रहा, खतरनाक जुमले बोल रहा, अल्लाह के बारे में बदगुमान हो जा रहा, कौन वो जो शिर्क छोड़ा हुआ है।